एपीए कंफर्मेशन कैसे करेंगे जानेंगे, ठीक है, हाँ एचटीएमएस में। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सबका एक एक्टिविटी में यहाँ पर एपीए करके एक ऑप्शन दिखाई देगा आप सभी को, ठीक है। तो एपीए कैसे करना है, आप सभी को नोटिफिकेशन आया होगा एपीए कंफर्मेशन के लिए, नहीं तो जो है आपका लोड बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ बताया है मैसेज में। तो चलिए कैसे करना है, पहले तो आपको पार्टनर रिलेशनशिप में आ जाना है, ठीक है। पार्टनर रिलेशनशिप टैब में जैसे आएंगे तो यहाँ पर आप ऊपर की एजेंसी का नाम देखेंगे, एजेंसी का नाम देखने के बाद आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देगा, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं परफॉर्मिंग असेसमेंट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको दो जो है नया ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। तो एक ऑटोमेटिकली ओपन स्टेटस ओपन में एक एसआर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम 1000 मार्क्स देना होता है खुद को, ठीक है, आपको यहाँ पर देना है। और किस चीज़ के लिए आपको क्या मिलेगा, एक मान लीजिए कुछ आपका परफॉर्मेंस एनुअल की का किसने परफॉर्मेंस कैसा किया, आप किस किस सेक्टर में, तो यही बस गोडाउन कैसा है, डिलीवरी कैसा है, शोरूम स्टाफ कैसा है, इसके बारे में बस कुछ मार्क्स देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लेंट यहाँ पर आपको कुछ मार्क्स दे देना है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फोर्थ चूज़ किया मैंने, उसके बाद एट्रीब्यूट नेम पर आपका इस बारे में मनोभाव कैसा है उसके बारे में बताना है, मार्क्स देना है। उसके बाद आधार से जो होते हैं, ठीक है, थीके? तो आपके जो इंश्योरेंस लाइसेंस वगैरह इसी के बारे में भी कुछ मार्क्स देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मार्क्स देना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे कैपेसिटी इंश्योरेंस जो है रेनुअल के बारे में भी कुछ मार्क्स देना होता है। तो यहाँ पर मैं 0 दे दिया और वहाँ पर 5 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इनोवेशन मतलब कुछ नया चीज़ आपने जो किया है, ठीक है, अपने ऑफिस के लिए या बिजनेस के लिए, और एफओ सर ने वो भी अप्रूव किया है। तो इस बारे में आप कितना मार्क्स देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर 4 देना चाहता हूँ 5 के अंदर, ठीक है। उसके बाद लीकेज के बारे में आप दोस्तों कितना मार्क्स देंगे, ठीक है, लीकेज जो कंप्लेन है आप कितने घंटे में कंप्लीट करते, 2 या 1 या 2 घंटे में या 2 घंटे से ज़्यादा या 8 आवर्स यानी 8 घंटे से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दे दीजिए आप जैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 से 2 घंटे के अंदर हमारा लीकेज जो है कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर आप लीकेज को कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही करेंगे कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, नंबर देंगे 1-2 घंटे के अंदर आप जितने भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है मैनेजमेंट नेक्स्ट है मैनेजमेंट, ठीक है, तो मैनेजमेंट पर क्लिक करिए और नीचे आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ खुद को मार्क देना है कि आप पर्सनल फुल टाइम करते हैं, हाफ टाइम करते हैं या लेस देन हाफ टाइम करते हैं। तो यहाँ पर मैं पर्सनल फुल टाइम चूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सनल फुल टाइम मैं चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें 40 मार्क्स मिला है। उसके बाद न्यू असेसमेंट पर आपको क्लिक करना है, क्या क्या संयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूटरशिप की जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंडेटरी मैनुअल स्टॉक बुक अपडेट विथ एचडीएमएस, ठीक है, एचडीएमएस में जो स्टॉक बुक है और मैनुअल स्टॉक बुक में सब अपडेट करते हैं यानी सब ठीक ठाक करते हैं, ठीक है। ईएमआर कंफर्म करते हैं रेगुलरली और स्टॉक कंफर्मेशन यानी जो इन्वेंटरी वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर भी 1 दे देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ईएमआर हो गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद प्रॉपर फिलिंग एसबीटीबी जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो उसमें उसमें जो है आप प्रॉपर फिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 1 कर देना है। और एक्नॉलेजमेंट कॉपी कैश मेमो सारी चीज़ जो है कस्टमर को सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, टाइम में। तो यहाँ पर भी ओके कर दीजिए। और बिल्स बिल्स दिए जाते हैं ऑल चार्जेस के, जो भी चार्ज लेते हैं उसका बिल कंज्यूमर को देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको येस या नो मतलब 0 मतलब नो, ठीक है, और 1 एक नंबर देता है। ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोपराइटर सिग्नेचर होते हैं ऑल डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पर भी 1 दे दीजिए। वीकली रेमिटेंस इन टाइम यानी जो होते हैं जो पेमेंट वगैरह होता है वीकली एसबीटीबी का, उसका भी दोस्तों यहाँ पर टाइम में हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे चीज़ हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद डाटा अपडेशन के बारे में पूछ रहा है डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है।
कस्टमर का डाटा अपडेशन यानी जो यहाँ पर पूछ रहे हैं कंज्यूमर का कितना परसेंट मोबाइल नंबर एंड टेलीफोन नंबर अपडेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आप आ जाइए, हमारा लगभग 98% मोबाइल नंबर अपडेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप यहाँ पर सेल्फ गिविंग वैल्यू आपको वैल्यू देना है 80% के ऊपर या 50% या 50 या 80% के भीतर। तो यहाँ पर मैं 80% से ज़्यादा है हमारा, तो मैंने चूज़ कर लिए है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पर ऑप्शन आता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों अगर आपको RMDG यानी DG AMDG मतलब कोई भी फाइन वगैरह ये सब है तो आपको AMDG करना है। तो यहाँ पर नो AMDG है हमारे पास। स्टोरेज जो इक्विपमेंट है वो कोई कभी चोरी हुआ है इसके बारे में भी नंबर देना है, तो हमारे पास कभी चोरी नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर नो थेफ्ट में कर दिए है। उसके बाद सेफ्टी, सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी में आपको जो है कितने मतलब वोरिंग कंप्लेन कितने आते हैं, तो हमारा जो 2% लेस देन 2% आता है, ठीक है। मतलब 2% से भी कम कंज्यूमर का आता है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्रेटर देन 2%, तो हमारा जो है लेस देन 2% कंज्यूमर का जो है वोरिंग का प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2% में कर लेता हूँ, ओके। तो मैं कर लिया। उसके बाद कस्टमर एजुकेशन प्रोग्राम यानी जो सेफ्टी क्लिनिक होते हैं या पंचायत LPG पंचायत ये वगैरह जो कैंपेन होते हैं उसमें कंज्यूमर जो है करते हैं आप ये सब, तो हाँ करते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 में से 4 मार्क्स देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो है उसके बाद नेक्स्ट आपको चले आना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी, सेफ्टी कस्टमर ऐप पर देख सकते हैं कि ऐप पर देख सकते हैं कि आप 3 दिन के अंदर जो है ENC या रिफिल डिलीवर्ड कर देते हैं कंज्यूमर को, हाँ। तो इसमें 2 में 2 में देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद SMS IVRS बुकिंग जो है 70% से ऊपर है तो यहाँ पर आपको मार्क्स देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मार्क्स मैं दे देता हूँ कि हमारा IVRS बुकिंग कितना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 2 2 देना चाहता हूँ, ठीक है, 2 देंगे। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर 2 मार्क्स में देना चाहता हूँ। उसके बाद अवेलेबिलिटी सजेशन बुक बुक एंड कंप्लेन बुक, सजेशन बुक या कंप्लेन का बॉक्स या बुक है आपके पास तो आप यहाँ पर एक कर दीजिए। नील कंजम्पशन मतलब कोई भी 0 रिफिल का जो कंज्यूमर है वो पोर्टल से आप जो है तो इसके बारे में भी एक देना चाहता हूँ। डिलीवरी कंफर्मेशन थ्रू मोबाइल ऐप के थ्रू जो है डिलीवरी कंफर्मेशन होता है यहाँ पर एक देता हूँ। प्री डिलीवरी चेक यानी वेट लीकेज चेक करके, वोरिंग लीक चेक, ये सारे वाल्व लीक चेक करके डिलीवरी करते हैं, उसके बारे में भी मैं 2 देना चाहता हूँ, ओके। उसके बाद दोस्तों चलिए FTL के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर FTL पर क्लिक करेंगे। FTL पर क्लिक करके नीचे आ जाइए कि FTL जो है डिस्ट्रीब्यूटर, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो है आपका एग्रीमेंट हुआ है एजेंट के साथ, रीसेलर के साथ, और लास्ट ईयर से ज़्यादा इस साल अगर बढ़ा है तो FTL का सेल, तो हमारा कोई FTL का स्टॉक नहीं है तो इसमें 0-0 में कर देता हूँ। सेल सेल ENDE सिलेंडर मतलब चेक या कैश में पेमेंट करते हैं नॉन डोमेस्टिक जो सिलेंडर होते हैं कंज्यूमर, ठीक है। डिजिटल पेमेंट या चेक में कभी पेमेंट करते हैं कि ये यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नंबर दे दीजिए 1 या 0। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर नहीं होता है पेमेंट, ठीक है, डिजिटल ऐप पर, तो मैं कर देता हूँ। उसके बाद बुकिंग फ्री विदाउट इंक्रीजिंग प्री कैप, ठीक है। तो यहाँ पर 4 दिन से ज़्यादा आपके पास रिफ़िल बुकिंग है तो यहाँ पर आपको कम नंबर देना होता है। और आपका TDT रेटिंग कैसा है, ठीक है, TDT रेटिंग आप पॉपराइटर के ऐप में देख सकते हैं। तो क्वार्टरली क्या है, हमारा 5 स्टार रहा है हर बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5 स्टार कर देता हूँ। उसके बाद सेल्स ND नॉन डोमेस्टिक सिलेंडर के सेल्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले जो है अपडेशन ऑफ मोबाइल नंबर विथ एड्रेस नॉन डोमेस्टिक सिलेंडर, हाँ। तो नॉन डोमेस्टिक कंज्यूमर का जो है 80% से ज़्यादा मोबाइल नंबर अपडेट है। डिस्कस कस्टमर अपडेट करने के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स से जो है सारे कंज्यूमर का अपडेट कर ले, 80% से ऊपर अपडेटेड है, ठीक है। तब पर उसके बाद ईएनडी सेल्स एज पर परसेंटेज डोमेस्टिक सेल कितना परसेंट है, यानी जो आपका डोमेस्टिक सिलेंडर सेल होते हैं 14 kg का, उससे उसके तुलना में कितना जो है नॉन डोमेस्टिक सेल होते हैं, कितने परसेंट ज़्यादा होते हैं, 2-6% से, या 2 से 6% होता है, या 2% से नीचे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर को आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ग्रोथ इन डोमेस्ट नॉन डोमेस्टिक बिजनेस पर कितना ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर के तुलना, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर ग्रोथ हुआ है बिल्कुल हमारा। उसके बाद दोस्तों इक्विपमेंट रेशियो ऑफ रेफिल सिलेंडर, यहाँ पर आपको कुछ मार्क्स देना है, ठीक है। उसके बाद एनएफआर सेल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो एनएफआर सेल के बारे में चलिए, तो यहाँ पर ग्रोथ लास्ट ईयर के तुलना में हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर सेम एज लास्ट ईयर में करना चाहता हूँ क्योंकि एनएफआर में ज़्यादा सेल बढ़ा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों शोरूम अपेरेंस पर, इसके बाद शोरूम पर पूछ रहा है शोरूम के बारे में, ठीक है। सिग्नेचर बोर्ड एज पर नॉर्मल क्लीन ए सारे और विजिबल ए सारे है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिस्प्ले चार्जेस जो बोर्ड होते हैं, ठीक है, थीके? और उसके उसके साथ साथ ये फो का मोबाइल नंबर या डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल नंबर, उसके साथ साथ एड्रेस भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का बोर्ड है आपके पास, तो यहाँ पर आप एक कर दीजिए। उसके बाद जो है कलर स्कीम एज पर स्टैंडर्ड, मतलब IOC स्टैंडर्ड जो भी कलर्ड होते हैं वे शोरूम गोडाउन में वाइट और ऑरेंज और जो है ब्लू मिलाकर वो जो कलर होते हैं वो कलर स्टैंडर्ड कलर है, तो आप एक कर दीजिए। उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ प्रिंटर कंप्यूटर है आपके पास, 3000 रिफिल में एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर होना चाहिए, ठीक है, इंजेक्ट प्रिंटर। और इसके साथ साथ UPS आपके पास है, UPS बैकअप फैसिलिटी, तो यहाँ पर एक कर दीजिए, हाँ है। उसके बाद दोस्तों आपका जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर BIS अप्रूव्ड हॉट प्लेट दे के होता है, ठीक है, होता है कि नहीं, तो यहाँ पर पूछ रहा है, तो आप दे दीजिए आपके हिसाब से मार्क्स। उसके बाद स्टार रेटेड यानी जो ISI मार्क और BIS मार्क जो डिस्प्ले हॉट प्लेट होते हैं वो डिस्प्ले हुआ है आपके शोरूम में उसके रेट के साथ, येस और नो, तो यहाँ पर येस कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद चलिए, उसके बाद शोरूम स्टाफ यूनिफॉर्म है तो है, तो आपको यहाँ पर एक कर दीजिए, नहीं तो 0 कर दीजिए, एक करेंगे मतलब 10 मार्क मिलेंगे। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है तो आप एक कर दीजिए, ओके। तो उसके बाद प्रॉपर बैठने के लिए जगह है कंज्यूमर के, ठीक है, तो इसमें एक कर दीजिए, हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में जो है शोरूम इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होते हैं, ठीक है, शोरूम स्टाफ मतलब बोल रहा है कि मैनेजर प्लस वन स्टाफ 7000 रिफिल सेल में, हर महीने 7000 रिफिल सेल में होना चाहिए, तो इसमें हमारा ज़्यादा ही है स्टाफ, ठीक है। उसके बाद मैकेनिक ये मतलब 4000 कंज्यूमर पर एक मैकेनिक आपके पास है, तो आप यहाँ पर एक कर दीजिए, है हमारे पास एक है 4000 कंज्यूमर के, ठीक है। डिलीवरी मैन जो है 13 रिफिल पर, मतलब एक 13 रिफिल से ज़्यादा अगर डिलीवरी है तो आप जो है पर एक डिलीवरी मैन आपके पास है 13 रिफिल का, तो हाँ है हमारे पास, ठीक है। डिलीवरी व्हीकल एक्यूरेट है हमारे पास, हाँ है, डिलीवरी बॉय भी है। डिलीवरी व्हीकल खुद का है तो हाँ खुद का भी है, डिलीवरी व्हीकल है। और साइन बोर्ड डिलीवरी व्हीकल पर जो है प्रॉपर प्रिंटिंग बैनर ब्रांडिंग ये सब वगैरह लिखा हुआ है, डिलीवरी जो कार होता है उसमें, हाँ है। उसके बाद टेलीफोन एक्यूरेसी, मतलब टेलीफोन ऑफिस पर टेलीफोन है 7000 कंज्यूमर के लिए एक टेलीफोन कम से कम होना चाहिए, तो हाँ है हमारे पास। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैं एक दे देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेड के देखते हैं और कुछ है क्या। अवेलेबिलिटी स्मार्टफोन जो डिलीवरी बॉयज होते हैं ऑल डिलीवरी उसके साथ उसके पास स्मार्टफोन है, हाँ है। डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो है स्मार्ट कार्ड, ठीक है, और जो है पॉज मशीन ये सब वगैरह है, ठीक है। रूरल अर्बन में 25% या मेट्रो शहर में 40% स्मार्ट सिटीज़ में, तो इसमें जो है आप जिसमें जिस कैटेगरी में पढ़ते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसके हिसाब से डिजिटल पेमेंट होता है, तो आप यहाँ पर नंबर दे दीजिए, ठीक है, परसेंटेज।
तो यहाँ पर आप जो है नंबर में एक दे देता हूँ, क्योंकि हमारा रूर R1 है तो इसमें जो है 25% हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट में आपको गोडाउन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो गोडाउन के बारे में, यहाँ पर गोडाउन जो है अप्रूव किया हुआ है प्लान के तहत। ठीक है, यस या नो, तो यस, कॉपी ऑफ प्लान यानी जो गोडाउन का जो डिज़ाइन है वो डिस्प्ले हुआ है गोडाउन में, हाँ हुआ है, विद ऑफ गेट एज पर अप्रूवल यानी गेट का, मेन गेट का जो अब चौड़ाई है वो अब प्लान के माफिक है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वेंट यानी विंडो जो होते हैं गोडाउन का, वो प्रॉपर जो वायर मेस यानी जो जाल होते हैं, जाल जाल के तरह है, ठीक ठाक है, तो हाँ ठीक ठाक है। उसके बाद सेफ्टी जोन फ्री सारे है। ठीक है, तो यहाँ पर है। उसके साथ साथ दोस्तों सारे सारे जो उनके जो फ्लोर है, ठीक है, गोडाउन का, वो अच्छे कंडीशन में है। नो स्मोकिंग साइन, और उसके साथ साथ डू और डू नॉट जो क्या क्या करना चाहिए गोडाउन में और क्या नहीं करना चाहिए, उसके डिस्प्ले भी है, लिखा हुआ है, हाँ है। उसके साथ साथ दोस्तों चलिए गोडाउन में और क्या क्या सवाल है। PDC रिकॉर्ड मेंटेन करा जाता है, किया जाता है, हाँ। प्रॉपर सिलेंडर के रखने के लिए जगह है। ठीक है, मतलब दो सिलेंडर फिल नीचे, ऊपर एक MT यहाँ पर जो प्रॉपर जो वे होते हैं उसमें। उसके साथ साथ दोस्तों स्पेशल टूल यूटिलिटीज ट्रॉली वगैरह है सिलेंडर निकालने के लिए। ठीक है, गोडाउन से तो यहाँ पर है, तो आप एक कर दीजिए, नहीं है तो जीरो कर दीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर जो है आपके पास एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, एक्सटिंग्विशर अगर काम काम करने की कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन में, तो यहाँ पर एक नंबर आप दे दीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ दोस्तों आप सैंड एयर बकेट यानी जो जो बकेट होते हैं सैंड, उसमें अगर रेत है तो आप जो है एक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों डिजिटल वेट मशीन वर्किंग कंडीशन में है यानी जो आप समझ सकते हैं वेट मशीन है आपके पास गोडाउन में, और गोडाउन स्टॉक जो प्लान है में जितने कैपेसिटी है उतने माफिक है, तो आप यहाँ पर एक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए हैं, हो गए। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पर होम डिलीवरी के बारे में पूछ रहा है। होम डिलीवरी इंक्लूडिंग ऑथराइज CNC यानी कैश एंड कैरी जो है आपका कितना परसेंट होता है, तो हमारा जो है कैश एंड कैरी नहीं होता है। ठीक है, तो less than 100% यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी आवर एडजस्ट इन वर्किंग कैपिटल मतलब जो लोग मान लीजिए काम करते हैं बाहर, घर में काम रहते हैं, उनके साथ साथ डिलीवरी के जो टाइम है वो एडजस्ट करते हैं, तो करते हैं तो एक दीजिए, नहीं करते तो जीरो दीजिए। तो हाँ बिल्कुल करते हैं, उनके टाइम पर ही डिलीवर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है लगभग आप देख सकते हैं सारी चीज़ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें और कुछ चीज़ डालने के लिए नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, सारी चीज़ देख लेता हूँ एक बार वेरीफाई करके, हाँ यहाँ पर सब ठीक है। ठीक है, तो आप चलिए ऊपर में आपको जो है सबमिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और ये सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद A4 सर जो है मार्क्स देंगे, उसके बाद एरिया मैनेजर से मार्क्स देंगे, उसके बाद जो है एक रेटिंग आता है फाइनल में, मतलब आप देख सकते हैं 840 मार्क्स मिला है, हाँ 1000 में से। ठीक है, तो दोस्तों आप सब जो है कुछ इस तरह से जो है APA कंफर्मेशन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो पर, बाय बाय, टेक केयर।